सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी से सूट या कुर्ती का नाप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सूट की लंबाई देखते हैं कि हमें अपने सूट की लंबाई कितनी रखनी है। हम यहाँ से जहाँ पर हमारा ये तीरा है, यहाँ से अपने सूट की लंबाई लेते हैं। इस तरह से जितनी हमें लंबाई रखनी है तैयार, हम उतनी तैयार लंबाई रखेंगे। अगर हमें इतनी रखनी है तो हम इतनी रखेंगे, इससे कम रखनी है तो कम, और अगर ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रखेंगे। तो जैसे इसकी तैयार लंबाई करीब करीब 34.5 इंच है, तो हमारी तैयार लंबाई हुई 34.5 इंच। इसके बाद हम अपने तीरे की नाप लेते हैं। तो जहाँ से हमारी देखिए बाजू लगी हुई है, यहाँ से और जहाँ पर हमारी दूसरी साइड की बाजू लगी हुई है, वहाँ तक हमारा ये तीरा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका तीरा इससे कम या ज़्यादा है, यानी आप जो सूट जिस सूट से आप नाप ले रहे हैं उसका तीरा कम या ज़्यादा है, तो जहाँ पर हमारे देखिए कंधे शुरू होते हैं वहाँ से हमें नाप लेना है, और हमारे जो दूसरी साइड के कंधे हैं वहाँ तक हमें नाप लेना है। तो इस हिसाब से हमारे तीरे की जो लंबाई है वो 13 इंच है। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का नाप लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी चेस्ट का नाप 30 है। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें नाप में लूजिंग भी डालनी होती है, तो लूजिंग तब डालनी होती है जब हम नाप बिल्कुल टाइट लेते हैं, देखिए इस तरह से, तो उसमें हमें लूजिंग डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम नाप इस हिसाब से लेते हैं, देखिए ये हमारा ऑलरेडी काफ़ी लूज है, तो इसमें हमें लूजिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नाप इस हिसाब से लें जितना आपको कपड़ा अपना लूज या टाइट रखना है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारी चेस्ट हुई 30 इंच। और कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कपड़े कैसे पहनते हैं, यानी हम कपड़े टाइट पहनते हैं यानी एकदम फिटिंग के पहनते हैं, या नॉर्मल पहनते हैं, या थोड़े लूज पहनते हैं। इसके बाद हम अपनी कमर का नाप लेते हैं। तो हमारी कमर का नाप है 25 इंच। देखिए ये भी काफ़ी लूज है, तो इसमें भी हमें लूजिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप काफ़ी लूज कपड़े पहनते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी लूजिंग डाल सकते हैं। और जो हमारा ये कमर का बिल्कुल पतले वाला हिस्सा होता है, वहाँ से हमें कमर की नाप लेनी होती है। इसके बाद हम अपने हिप का नाप लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे हिप भी 35 इंच है, और जो हमारे हिप का ये उभरा हुआ हिस्सा है, वहाँ से हम हिप का नाप लेते हैं। इसके बाद हम अपनी बाजू की लंबाई देखते हैं। तो जहाँ से हमारी ये बाजू जुड़ी हुई है, यानी जहाँ पर हमारा ये तीरा है, वहाँ से हम अपनी बाजू की लंबाई देखते हैं। अगर आपको आधी बाजू रखनी है, जितनी आपको लंबाई रखनी है, यानी जितनी आपको तैयार लंबाई रखनी है उतनी आपको नाप लेनी है, और अगर पूरी बाजू रखनी है तो आपको इस तरह से पूरी लंबाई रखनी है। जैसे इसकी लंबाई करीब करीब 16 इंच है। इसके बाद हम अपनी बाजू की गोलाई देखते हैं। अगर आपने आधी बाजू बनाई है, और सपोज करिए आपने यहाँ तक बाजू की लंबाई ली है, तो आप यहीं से बाजू की गोलाई देखेंगे इस तरह से, और जितनी आपको लूज रखनी है उतना आप इंच टेप इस तरह से लूज रखिए। जैसे 10 इंच है तो आपको इस तरह से उसकी गोलाई 10 इंच रखनी है। इसी तरह से अगर आपको पूरी बाजू बनानी है तो उसकी गोलाई आपको इस तरह से लेनी है। जितनी आपको बाजू आगे से लूज या टाइट रखनी है उतना ही आप इस इंच टेप को लूज या टाइट रखें। जैसे ये करीब करीब 8 इंच है, तो आपको ये आगे से 8 इंच रखनी है। इसी तरह से जैसे गले की गहराई आपको जितनी भी रखनी है, जैसे इसकी गहराई 6 इंच है, अगर आपको 6 इंच रखनी है तो आप 6 इंच रखें, इससे कम रखनी है तो आप कम रख सकते हैं, और अगर थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रख सकते हैं। इसी तरह से पीछे के गले की गहराई, देखिए हम यहाँ से लेंगे जहाँ से हमारा ये तीरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये देखिए 5 इंच है, आपको इससे ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर आपको इतनी ही रखनी है इतनी रख सकते हैं, और आप इससे कम भी रख सकते हैं। और अपनी सुविधा के लिए ये नाप आप लिखते रहें। और ये जो नाप मैंने आपको बताई है ये हमारी तैयार नाप है, और कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें,
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।